जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बिहारी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद जी। कहाँ जी टाइम मिले तो त्रिजी डाटा करो प्रिपेयर करवाने से। हाँ मफत मुंगा मुंगू जय सच्चिदानंद, घर में एक बीजा ना श्वासे जीवता हो तो कितलू सारू। घर पर एक दूसरे के साथ से जिए तो अच्छा है। बिल्कुल, वो खो जाने को बैठ जाए तो सांस लेने को भूल जाए सब। क्या वो भूल जाए कभी सांस लेने को तो दूसरे की आ बने। वो ऐसे भूल जाएंगे क्योंकि उनका उनका सांस आपके हाथ पे है और हमारा सांस उनके हाथ में। हाँ फिर देखो क्या बात होती है। अरे वो जरा कर गई थी बोले यही सचिदान सोचना इसके बारे में। सर जय सचिदान बोलिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जी मंत्र फॉलो करिएगा सुनील जी। हरियाणा जी त्रिमंत्र बुलाए। रेडी, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सूरज जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा तो सर थोड़ा मन के विचार मिलते नहीं है एकमेक से। किससे नहीं मिलते हैं? ये धर्म से। धर्म से आपके विचार मिलते नहीं है? एक प्रश्न आता है कभी कभी मन में। ये बिहारी नंद जी बोलिए। ये अपना जो जैन धर्म है
ये इतना पुराना धर्म है, 530 ईसा पूर्व बोलते हैं जन्म धर्म है। अभी ये धर्म में जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ और उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया सब, और बोलते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए मोक्ष गए, तो कुछ इन लोगों ने साथ लिया ऐसा माने ग्रंथ बता रहा है कि 24 बुद्ध भी हुए और 24 बुद्ध की जो आज्ञा थी वो जैन धर्मों ने भी थोड़ी इधर उधर मिक्स करी, ऐसा बताते हैं। और फिर जैन धर्म में भी आचार्यों की वजह से झगड़े हुए तो श्वेतांबर और दिगंबर बने। अब वो दिगंबर जो बने तो उनका भी दिगंबर शब्द जो आया साहब, दिग और धन अंबर, दिगंबर बोलते हैं, दिग यानी कि माने एकदम नेकेड और अंबर यानी के आकाश, तो आकाश उनका सब कुछ है, कपड़ा वपड़ा। दिग यानी दिशा, दिशा हाँ, दिशा ही जिसका वस्त्र है, हाँ, और अंबर उसका वस्त्र है। तो ऐसा मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है किताबों में। तो मैं ये सोच रहा था कि जो दिगंबर जैन के अनुयायी हैं, आचार्य हैं, वो बिल्कुल उनसे उलट हैं श्वेतांबर से, बराबर, वो उनके ग्रंथ वो नहीं मानते, उनके ग्रंथ वो नहीं मानते सब, थोड़ा आचार में फर्क है। हाँ, आचार में फर्क है। और फिर वो लोग बोलते कि हमारा जो ये मोक्ष होने वाला है, दिगंबर बोलते, तो उसमें भी जम्बू द्वीप का बताया है और कुछ सुधर्मा का कुछ बताया है, उन दोनों में भी मतभेद हुए हैं तब। तो मोक्ष में भी भिन्नता बताई गई है, आचार्यों की परंपरा कुछ अलग एक मेक से मिलती जुलती नहीं है, मगर जा तो रहे हैं सभी लोग मोक्ष के लिए, ट्राई कर रहे हैं जैन धर्म वाले श्वेतांबर भी और दिगंबर भी। हाँ, आपको क्या जानना है? मुझे जानने का ये है कि ये दादा ने अभी ये जो 30-40 साल से इतना शॉर्ट अभी अभी बता दिया है, ये 5 आज्ञा माने रियल रिलेटिव और कुदरती रचना को ये बहुत एकदम शॉर्ट में दे दी है, और ये अभी 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 का ही टाइम है, ये 40 साल का कि अभी हम लोगों को ये एकदम से मिली है, तो ये 40 साल में हम लोग ये मोक्ष जाएंगे, ये कुछ हम लोगों को इविडेंस मिलता नहीं है साहब कि सच्ची में जाने वाले हैं कि मोक्ष, ऐसा कभी कभी डाउट लगता नहीं। है मोक्ष यहाँ पर ही अनुभव होता है। अच्छा, मोक्ष हाँ, कैसे? तो के मन वचन काया होते हुए भी अंदर से आप बिल्कुल अलग रहते हो, और अंदर जो कुछ भी विचार आते हैं, जो कुछ भी चलता है, देखो उनकी असर आपके ऊपर नहीं होती है। मतलब के आप सब कुछ होते हुए भी शुद्धात्मा पद में रहते हो, सभी व्यवहार है, शादी में भी जाते हो, खाना खाके सो भी जाते हो, पिक्चर भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, तो ये सब व्यवहार करते हुए भी भीतर से आप अलिप्त हो, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। आपको होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, अब जब से ये रियल रिलेटिव का समझा है तो रिलेटिव का ध्यान में रहता है कि भैया ये सुरेश खरे की बॉडी है, हाँ, और ये इसको सुख दुख जो आ रहा है ये सब सुरेश खरे का है, बराबर। तो ये जो व्यवहार जागृति खड़ी हो गई है, तो ये जागृति में आप रहते हो तो मन वचन काया होते हुए भी आप मोक्ष सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो क्या सबसे पहले देह के साथ अज्ञान से मुक्ति का अनुभव होता है, किसी भी प्रकार का अज्ञान अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आता है सब, सभी प्रकार के विचार आते हैं, सभी प्रकार का व्यवहार होता है, लेकिन वो अज्ञान अभी आपको डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं, तो अज्ञान से मुक्त आप रहते हैं।
तो अज्ञान से मुक्त रहते हैं तो ये आपका पहला मोक्ष है देह के साथ। तो ये एक बार हो गया, फिर बाकी तो आप आत्म जागृति में बढ़ते बढ़ते सभी कर्म सब पूरे हो जाते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों जब पूरे हो जाते हैं तो अपने आप जीव मोक्ष में चला जाता है, मतलब के सिद्ध क्षेत्र में। तो वो आएगा, पहले यहाँ ये अनुभव होना चाहिए शरीर के साथ। नहीं, तो शरीर के साथ बोला ना कि जीव मोक्ष में चला जाएगा, ये जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा दिमाग में बुद्धि के कारण पछता नहीं है साला। क्यों क्यों नहीं पछता है, क्या तकलीफ है? एकदम से जीव मोक्ष में कैसे चला जाएगा? अभी तो हम लोग ये जो बाकी के जो लोग ट्राई कर रहे हैं ना, ये शास्त्रों में वेदों में इतना लिखा है मनुष्य के बारे में, सहारा लेते हैं कई लोग। हम लोग ये नवचंडिका वो करते फलाना करते, श्लोक पढ़ते फलाना करते, ये करते, ये कई जन्मों से हम लोग करते आ रहे हैं साहब। तो कभी कभी ऐसा भी मन में आता है कि ये जितने सूत्र और श्लोक ग्रंथों में वेदों में लिखे हैं तो ये क्या कभी कभी गलत है कि नहीं, कुछ गलत नहीं है खरे साहब, कुछ भी गलत नहीं है। जो भी मंत्र लिखे श्लोक लिखे है वो कुछ गलत नहीं है, वो आत्मा पाने के लिए ये सब विधियां हैं। जो भी श्लोक है, जो भी मंत्र विधि है, जो भी है वो आत्मा प्राप्त करने के लिए है। मैं खुद कौन हूँ वो जानने के लिए है, और हम लोगों को ज्ञानी की कृपा से वो आत्मा का भान पहले हो गया है। तो अभी आत्मा का भान के साथ खरे साहब जो जो भी व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यवहार हकीकत में हो रहा है कि कर रहे हैं, हकीकत में हो रहा है। हाँ बस, तो हो रहा है। तो ये जो आपको श्रद्धा बैठ गई कि ये व्यवहार मैं कर नहीं रहा हूं, ये व्यवहार हो रहा है, तो आप खरे से बिल्कुल अलग है, ये आपको अनुभव है। और ये जब आपको रियलाइज हो गया कि मैं अलग हूं और सारा व्यवहार भीतर में और बाहर जो कुछ भी हो रहा है मैं करता नहीं हूं, कर्म के संस्कार की वजह से वो हो रहा है, तो ये अभी तक आपको रियलाइज हुआ, मतलब के देह के साथ आप मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो धीरे 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 सभी संस्कार खत्म हो जाते हैं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। तो फिर जो आत्मा है वो स्वभाव से ही जब कर्म से मुक्त हो जाती है बिल्कुल, तो आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध क्षेत्र में चली जाती है, उसको जाने का नहीं है, कोई ले जाने वाला भी नहीं है। जैसे ही कर्म से मुक्त होती है तो अपने आप स्वभाव से जिस क्षेत्र के लायक होती है वहां आत्मा चली जाती है। नहीं, तो वो कभी उसको आंतरिक मोक्ष बोलते हैं। नहीं नहीं, ये क्या है कि जैसे अभी कुदरती रचना अपनी है, अभी एंड टाइम आता है। कई लोग बोलते हैं कि खरे भाई तमे ना गायत्री मंत्र नो 108 बार तमे ये पूजा करा लो, नव चंडी नो ये कराई लो, तो तुम्हारे है ना, तमे साची बात है, तमे दादा दादा मा करो छो, ये बात साची छे। परंतु जो तमे है ना थोड़ो आमा है ना गायत्री मंत्र नो 108 यज्ञ कराई लो तो तुम्हें आपको बहुत प्रसन्नता हो जाएगी, और आपकी ये जो कष्ट हो रहे हैं शरीर के पुद्गल के, तो ये दूर हो जाएंगे। तो कभी कभी मन में ऐसा आता है कि ये जो आचार्यों ने हमारे ऋषि मुनियों ने इतने वेद यज्ञ जंगलों में किए और जो उनकी मुसीबत और कुछ सिद्धियां प्राप्त करी इन मंत्रों के उच्चारण से, तो कभी कभी ऐसा भी मन में आता है कि क्या ये गलत था कि क्या ये कुछ समझ नहीं आता। वो गलत नहीं है, वो भी सही है, वो भी सही है। जो भी मंत्रोच्चार है जो भी कराते हैं तो इससे मन से तर होते हैं,
जो भी मंत्र करके तो मन की शांति मिलती है। हाँ, तो अगर आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, सभी व्यवहार में रह रहे हैं, तो जो गायत्री में मानने वाला है वो तो बोलेगा कि घरे साहब ये करा दो, अच्छा है, ये है वे, तो आपको लगे कि नहीं मुझे व्यवहार में ये कराना है तो करा लेने का। लेकिन उनसे कोई कर्म खपता नहीं है, कर्म को नहीं नहीं माने जो घटना घटने वाली रहती है वो क्या थोड़ी देर के लिए माने अस्थिर हो जाती है कि दूर चली जाती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो हाँ। आपको मन में शांति हो जाती है कि ये मैंने करा लिया है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं रहेगी, तो इससे मन रिलीफ हो जाता है, मन रिलीफ हो जाता है। हाँ, क्योंकि उनसे शांति होती है, मंत्रोच्चार से कोई भी विधि आप शास्त्रोक्त विधि कराते हैं तो उससे आपको शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। लेकिन जो कर्म आपको भुगतना है वो कर्म तो आएंगे ही। नहीं नहीं, उसमें भी बोलते हैं कि यदि इनका पर्टिकुलर श्लोकों का उच्चारण करने से जो माने आपको परेशानियां आएंगी उसकी जो वो पावर होगा ना वो कम हो जाएगा साहब। हाँ, लेकिन दूर नहीं होती है, कम लगती है, क्योंकि हर एक मंत्र का अपना प्रभाव होता है ना। अच्छा, मंत्रों का प्रभाव होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ही प्रभाव होता है, जैसे जिस जैसे मंत्र का प्रभाव है इस हिसाब से वो विघ्न आपको हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लेकिन चला नहीं जाएगा। अगर मोक्ष में जाना है 90% जो पेनफुल था वो आपको 30% हो जाएगा। हाँ, 30% हो जाता है, जैसा हो जाए, लेकिन वो कर्म में से तो आपको पसार होना ही पड़ता है। और हम शुद्धात्मा है और ये खरे का हिसाब है, तो जो हिसाब हमने बांधा हुआ है तो वो पूरा करके ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो अकर्म विज्ञान है, ये जो हमारी 5 आज्ञा है, वो कर्म से मुक्ति का इलाज करती है। कर्म से मुक्त होते हो, कर्म से तो मुक्त हो जाते हैं, मगर जो हमारे कुदरती रचना हमारी बॉडी की है उसको तो हमें भोगना ही है। यदि किसी माने महात्मा को कोई कैंसर आता है, कोई हैजा होता है, कोई कोरोना होता है, फलाना कोई बीमारी होती है, तो वो तो उसको भोगनी है साहब। बस तो वो भोगने के समय वो हाँ, कोई यदि आकर के आचार्य कहता है कि भाई ये श्लोक पढ़ लो, ये इसका उच्चारण कर लो, ये वो कर लो, तो उसमें कमी तो होती है, ये बात सही है? नहीं, तो कमी तो होगी ना, क्योंकि हर एक का प्रभाव तो है ना, हर एक मंत्र का प्रभाव है, लेकिन हमको क्या करना है कि कर्म से मुक्ति चाहिए। तो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये खरे का हिसाब है। मुक्ति तो होने वाली है, वो हमारे हाथ में नहीं है साहब, मगर जो दुख हो रहा है पुद्गल को, शरीर को, वो जो त्राही जो त्राही त्राही पुद्गल में मची हुई है, हाँ, वो दर्द हो रहा है, हाँ, वो तो कमी आएगी कि नहीं साहब? नहीं आएगी ना, वो तो आएगी ही, क्योंकि एक दो श्लोक है ना, एक ऐसे बताए हैं वेदों में लिखे थे कि ओम पुनाति शिरसि, ओम पुनाति पुनाति शिरसि, माने कि आपको ना सिर से भी जो भी कोई गंदे विचार मन में आते हैं वो आपके दूर हो जाएंगे, आप यदि ये श्लोक का वो करोगे, दिन में दो दो तीन तीन बार बोलोगे। तो इसमें क्या है खरे साहब, कि जब भी कोई विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, और आप वो श्लोक पढ़ते हैं, बोलते हैं, रटन करते हैं, तो आपका चित्त है वो श्लोक में चला जाता है। हाँ, तो वो अपने आप, वो विचार वाला है वो अपने आप बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, अपने आप बिखर जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि वो श्लोक से बोलते हैं उसको मन की शांति जागृत होती है।
तो मैंने बोला कि भाई बिल्कुल सही है चलो, और जो तुम्हारी इंद्रियों को दुख है तो वो बोलता था कि ओम वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु ऐसे करते रहोगे तो बोले कि आपकी जो वाणी है दृष्टि है प्राण है घ्राण है जो भी कुछ है सूंघने की शक्ति है वो सब इंद्रियां आपकी शुद्ध हो जाएंगी। तो मैंने बोला कि भाई क्या बात है, तो बोले कि ये दो तुम पढ़ा करो तो इससे तुमको फायदा होगा, क्योंकि फुटबल तो आपने बोल तो दिया है कुदरती रचना बोल दी, मगर कभी कभी क्या हो जाता है कुदरती रचना है ना ऐसे ऐसे कर्मों का संयोग लेकर के आई है कि जो शरीर को पेनफुल है तो कभी कभी हाँ तो वो दर्द होते हैं तो उस वक्त है ना एक तो मरने का भय लगता है, अब वो मोक्ष तो दूर हो जाता है उस वक्त कि भैया कल कोई यदि कह दे कि डॉक्टर बोल दे कि भैया 3 दिन बाद आपकी वो होने वाली है तो आपको क्या है कि फिर बाद में ना बड़ा सा भय लगता है। Okay, वो भय लगता है तो किसको लगता है तो वो लगने लग जाता है तो वो श्लोक व्लोक पढ़ना चालू कर देता है इधर उधर है ना छटपटाता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर को पकड़ने लग जाता है, सब साधु संतों को पकड़ने लग जाता है कि कम हो जाए वेदना। तो कभी कभी जब मन में ऐसे विचार आते थे मेरे तो वो मैंने सही है कि गलत है क्या मालूम है पता नहीं कुछ, मगर दादा ने तो बहुत एकदम शॉर्ट मोड स्पीड में दे दिया है सब। एक मिनट पहले ये प्रश्न करते हैं जी चले गए चलो जय सच्चिदानंद साहब। नहीं नहीं है क्यों जय सच्चिदानंद क्यों हो गया? नहीं 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 आ गए अभी तो बात चलती है। हाँ हाँ चलती है अभी तो बात चलती है। हाँ तो ये क्या है मन में है ना जो रिलेटिव कुदरती रचना है ये कभी कभी हम लोगों को डर सा बना देती है साहब। क्या बना देती है? डर कर देती है कुदरती रचना। नहीं तो नहीं कुदरती भटकता है एक मिनट कुदरती रचना अगर आप समझ गए तो सभी पजल से मुक्त हो जाएंगे। ये कुदरती रचना समझ कुदरती रचना मतलब क्या है कि जितने भी निमित्त आपको दिखाई देते हैं खरे साहब भी है और जितने भी निमित्त दिखाई देते हैं वो सब कुदरती रचना में आ जाता है। और जब हम कुदरती रचना ऐसा बोलते हैं तो कोई व्यक्ति उसमें गुनेगार नहीं है, कोई परिस्थिति इसमें गुनेगार नहीं है। नहीं नहीं भय मरने का रहता है साहब। तो किसको रहता है भाई? खुद को ही रहता है। खुद खुद मतलब माने खरे भाई को रहता है। हाँ तो खरे भाई को तो सब होगा, बुखार भी आएगी, नाचेंगे भी, सो जाएंगे, खरे साहब तो सब कुछ करेंगे। लेकिन ये खरे साहब का जो व्यवहार है वो खरे साहब कर रहे हैं, और जो भी भुगतना है सुख भी भुगतना है दुख भी भुगतना है तो वो खरे साहब करेंगे, और मैं जो हूं शुद्धात्मा वो सिर्फ देखने वाला और जानने वाला ही हूं, बस ये पक्का करने का है। और ये व्यवहार हर एक क्षण क्षण हर एक व्यवहार में ये हमारा जो ये उपयोग है वो उपयोग ही और उपयोग में ही हमें रहना है। नहीं नहीं ये तो सब अपने आप होता जाएगा, उपयोग में रहते हैं, मगर कभी कभी क्या हो जाता है कि अभी आपने एक बात थोड़ी मुझे जमी आपकी बात कि हम लोग ये जो इधर उधर है ना भटक जाते हैं या पूजा पाठ करने लग जाते हैं या वेदों का उच्चारण करते हैं श्लोकों का उच्चारण करते हैं कोई भी मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं तो उससे वेदना थोड़ी कम हो जाती है और करने से पुद्गल को फायदा है। नहीं बिल्कुल फायदा ही है। और खरे साहब को जो जो भी निमित्त मिले आपके फ्रेंड सर्कल में कोई गायत्री परिवार वाला है कोई ये है तो वो बोलेगा कि ये कराओ तो अच्छा रहेगा ये कराओ तो अच्छा रहेगा बोलते हैं ना। तो अगर आपको होता है खरे साहब को कोई कराना है तो कराने का है कराने तो खरे साहब को तो रिलीफ चाहिए ना। लेकिन साथ में हमको सिद्धांत भी समझ लेने का है। सिद्धांत क्या है
तो कि खरे साहब का जो भी कर्म है अच्छा बुरा वो खरे साहब को भुगतना पड़ेगा और मैं शुद्धात्मा हूँ। पड़ेगा जो भुगतना वाला जो है ना चैप्टर उसमें ये मंत्रों से कमी आ सकती है। तो मैंने कहा मना किया है, मैंने मना नहीं किया, आती है कमी आ सकती है, कमी आती है, लेकिन हम अभ्यास से ये कर्म से ही मुक्त है, ये भय से मुक्त है, ये बीमारियों से ही हम मुक्त है, ऐसा अभ्यास हम कर सकते हैं और वो दृष्टि हमारे पास है, वो ज्ञान हमारे पास है। बाकी तो खरे साहब को जो जो भी संजोग मिलते हैं करने मंदिर के। में जाने का भी होता है, यात्रा पर भी जाने का होता है, और जैसा अगल बगल में आपका फ्रेंड सर्कल है इस हिसाब से ये गायत्री परिवार का भी होता है, ये होता है, वो होता है, वो तो सब व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। तो खरे साहब को जो भी व्यवहार अच्छा लगता है, जो भी व्यवहार से मन को शांति मिलती है, तो वो खरे साहब करावे। हाँ, तो इसी को ही फाइल का संभाव से निकाल बोलते हैं ना। जो भी फाइल खड़ी हुई खरे साहब में जी। जो जो भी फाइल खड़ी होती है तो वो फाइल का संभाव से निकाल करने का है और मैं शुद्ध आत्मा हूं। आज जैसे जो क्षेत्र में रहते हैं, जो लोगों के बीच में रहता है, तो वो व्यवहार में आना जाने का रहेगा ही, तो वो फाइल का संभाव से निकाल में है और मैं शुद्ध आत्मा हूं। बस यही पक्का करने का है, बाकी हर एक चीज का फायदा है ही। ये जगत में कोई भी चीज गलत नहीं है। जो जो धर्म में बताया हुआ है मार्ग, जो जो भी रास्ता बताया हुआ है, वो सब सही है, लेकिन अंतिम बात तो आपको समझने पड़ेगी कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये खरे साहब का हिसाब है। तो खरे साहब फाइल का संभाव से निकाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यही बात, ये जितना अभ्यास होता जाएगा उतना उतना ये पुनम की ओर जाएगा, ये अनुभव पक्का होता होता अंतरात्मा में से परमात्मा दशा तरफ जाने का मार्ग हमको मिल गया है और वो आपके हाथ में है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।